नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। फरहान अख्तर ने हाल ही फिल्म डॉन 3 की अनाउंसमेंट की है। फिल्म में रणवीर सिंह शाहरुख खान को रिप्लेस करते नजर आएंगे। एक इंटरव्यू में इस रिप्लेसमेंट पर बात करते हुए फरहान ने कहा कि वो और शाहरुख इस फिल्म की स्टोरी पर सहमत नहीं थे। एक इंटरव्यू में फरहान ने कहा कि वो डॉन 3 की कहानी को एक दिशा देना चाहते थे। हालांकि इसकी कहानी पर वो इस सीरीज़ के पिछले 2 पार्ट में लीड एक्टर रहे शाहरुख खान से सहमत नहीं थे। यही वजह रही कि फरहान ने फिल्म से शाहरुख को हटाकर रणवीर के साथ काम करने का फैसला किया। फरहान ने कहा, मैं इस पोजीशन में हूँ ही नहीं कि किसी को रिप्लेस कर सकूँ। हम सालों से इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। मैं स्टोरी को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता था उस पर मैं और शाहरुख सहमत नहीं थे। इसके बाद हमने आपस में बात करके अलग होने का फैसला किया। हमें लगा कि सीरीज़ के लिए यही बेहतर होगा। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही रणवीर सिंह शाहरुख खान को रिप्लेस करने को लेकर ट्रोल किए जा रहे हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में फरहान ने रणवीर की साइड लेते हुए उन्हें सपोर्ट किया था। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।